हमारे प्यार मोहब्बत खुलूस में क्या कमी रह गई थी जो तुम ये सब कर रही हो? बदनाम करके रख दिया पूरे खानदान को, किसी के साथ आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। जी जी, वापस क्यों आई हो तुम? कुछ तो शर्म होती है। अगर हमारी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर। अल्लाह का शुक्र है ये दिन देखने से पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी आज मैंने देखा सुना, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी तुम्हें जाने ही नहीं। तुमने आज सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, अपना और मेरे दरमियान का खूबसूरत रिश्ता, इस घर का सुकून, मेरी माँ का एतबार, हमारी इज्जत। क्या हुआ पापा, सब ठीक? वो अफनान रक्षा की चची का फोन था। हाँ तो क्या कहनी थी, सब खैरियत है ना? वो शानी ने रक्षा को डिवोर्स कर दिया है। ताया जान, मतलब है कि ताया जान ने खुफिया शादी कर रखी है। इतनी साहब मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने थोड़ी कहा था कि आप मुझसे छुपके शादी करें। मैं तो आज भी चाहती हूँ कि सबको पता चले। मैंने आपसे कहा था ना, एक वक्त आएगा जब इमाद के साथ घूमने फिरने की वजह सामने आ जाएगी और सलमान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मुतमईन हो जाएंगे। हाँ तो बेटा, हल कब निकलेगा? जब सब कुछ हाथ से चला जाएगा। नतीजे तक तो पहुंच चुके हैं ताई जान, हल तो निकाल लिया है मैंने। अच्छा, क्या हल निकला है मुझे भी बताओ। अनुज भाभी इतनी तो ना समझ नहीं है ना कि वो अपना बसा बसाया घर खराब कर दे। मेरा एक मशवरा मानो, थोड़ा टाइम दे दूंगा। वक्त मैं डरता हूँ कि मजीद वक्त देने में कहीं वो वक्त आ जाए कि मैं मॉम के सामने अरूज का दिफा ना कर सकूं। ना सारा सामान, ये सब किस लिए? और यही सब रिवाज होता है ना, कुछ अनोखा थोड़ी किया है। भाई रस्म और रिवाज तो लड़की की पैदाइश के वक्त उन्हें जिंदा दफनाने के भी थे, बदल गया ना, तो फिर ये फिजूल रस्म क्यों नहीं बदल सकती? क्या हम मिल सकते हैं? अरे हो सकता है मैं फ़ोन पे आपको अपनी बात बेहतर सुना तरीके से समझा पाऊँ, तो हम मिल लेते हैं, शायद वो बेहतर होगा। मना मत कीजिएगा प्लीज। आप मुझसे मिलना चाहते हैं? खैरियत, क्या मैं जान सकती हूँ कैसी क्या बात है? तुम क्या समझते थे कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम कोई फैसला करोगे और उसे इस घर में कबूल कर लिया जाएगा? ये जो लोग हैं ना मम्मी, ये माल मवेशी नहीं है कि इनकी लगामें थाम के इनको कंट्रोल किया जाए। ये लोग हैं बदन फ्री। तुम जानती हो मैं तुम्हें बचपन से कितना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं इस घर में आया करता था। तो मैं बताऊंगा किस तरह तुमने मुझे पागल बनाया और दीवाना बना के रखा होगा। इस तरह की बातें मत करो प्लीज। बेखबर मैं तो गुमनाम था, मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से। सुन ले तेरी हर खुशी के लिए ये जहां बार तू, मैं तेरे नाम से। सलमान बाबर माफिया मांग रहा था, कह रहा था मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो, एक और मौका दे दो, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को उसका हक दूंगा, तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी ज्यादती नहीं करूंगा। तो फिर तुमने क्या सोचा? मैं यहाँ नहीं रह सकती, या तो आप मुझे अम्मी के पास छोड़ के आए या अम्मी को यहाँ लेके आए। पागल हो गए सारे घर में, जिसको देखो घर से भागने की पड़ी है। खैरियत है? कोई खैरियत नहीं है अब्बा, ये क्या हो रहा है घर में? देखिए अगर आप मुझे नहीं छोड़ के आएंगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी।
मैंने तुम्हें तो चीखते कर कहते थे कि इसे नौकरी करवानी है, एटीएम बनाना है। अब जरा सी बुराई है तो कैसे हाथ झाड़ के पीछे खड़े हो गए हो? हाथ झाड़े आज जा, माफी मांग उसे पैर पकड़ के। इतना घटिया आदमी है तू। तुम कितनी देरी हो मेरी, तुम्हें मेरी ताबेदार बनके रहना पड़ेगा, मेरी वफादार बनके रहना पड़ेगा। केस की तमाम तफसीलात सुनने और सबूतों को देखने के बाद ये अदालत ताजीरात पाकिस्तान के तहत मायरा राशिद तेरी दादा जबान नहीं चल रही है, ते तीन मस्कीन हूँ और मेरा कोई कसूर नहीं है, समय तेरे भाई का मुराद। चुप कर जा, जिंदा रहे ओदा भाई, लड़ी जान दे हो तुसी। अब आ गए हो तो फिर इसी घर में रहना है क्या, और कहाँ जाना है? रहो सीधे, मैं कहता हूँ ये नुकसान होता है जल्दी में किए गए फैसलों का। आज शादी हुई, दो दिन में ही पता लग जाता कि एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। वो ऐसे रिश्तों को घसीट के चलाने से बेहतर है कि भैया खाना खाने ठंडा हो।